तो मैं हूँ घनश्याम। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो आती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हर ट्रेडर सक्सेसफुल बनना चाहता है, हर ट्रेडर सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन सक्सेसफुल के लिए उसे क्या करना है वो उसके पीछे की चीज़ों को जानना ही नहीं चाहता। कहने का मतलब यह है कि वो मेहनत नहीं कर, सक्सेसफुल तो होना चाहता है, लेकिन उस सक्सेसफुल होने के लिए उसे क्या मेहनत करनी है, कैसे चीज़ों को जज करना है, वो करना ही नहीं चाहता है। वो सिर्फ सक्सेसफुल होना चाहता है, मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहता है। कुछ लोग मेहनत करते हैं तो शायद सही जगह पे मेहनत नहीं करते हैं, सही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना नहीं जानते हैं, चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, उनकी अपनी कुछ रूल्स और डिसिप्लिन नहीं होते हैं। देखिए दोस्तों, आपको अपने कुछ रूल्स और डिसिप्लिन बनाने होंगे और उसी को इम्प्लीमेंट करना होगा। सारी स्ट्रेटजी या सारी चीज़ें आप अपने उसी रूल्स और डिसिप्लिन पे इम्प्लीमेंट करें तो ही ये मार्केट आपको पैसा देगा। दोस्तों देखिए, सब लोग यहाँ पे आते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन आप लोगों को पता है कि 90% ट्रेडर पैसा लॉस करके ही यहाँ पे जाते हैं। वो लॉस इसलिए नहीं करते हैं कि उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, वो लॉसेस इसलिए करते हैं कि उनके मन में लालच ज़्यादा रहता है। उन्होंने डिसाइड नहीं किया रहता है कि उन्हें कितना पैसा चाहिए, कितना लॉस ले सकते हैं पर डे, कितना प्रॉफिट उनको पर डे लेना है। वो ये चीज़ों को डिसाइड करके आते ही नहीं है, बस मार्केट में आते हैं, ट्रेड करना है, कुछ पैसा मिल जाएगा, निकल जाएगा, बस ये सोच, और इसी सोच के चक्कर में कभी उनका प्रॉफिट होता ही नहीं। तो दोस्तों, आप ये सब चीज़ें मत कीजिए, आप सही स्ट्रेटजी, सही चीज़ों का इम्प्लीमेंट कीजिए। आपको जो भी नॉलेज है उस नॉलेज का भरपूर प्रयोग कीजिए दोस्तों, तकनीकी विश्लेषण कीजिए चीज़ों को, और चीज़ों को आप समझिए कि आपको कब स्टॉक को बाइंग करना है, कब सेल करना है। देखिए, आप सक्सेसफुल ट्रेडर होना चाहते हैं तो आपको तकनीकी विश्लेषण का ज्ञान जरूरी है, यानी टेक्निकल एनालिसिस आपको आनी ही चाहिए। आप तुक्का मत खेलो, आप यहाँ पे गैम्बलिंग मत करो, इसको एक बिजनेस की तरह आप लो तो ही यहाँ पे आप पैसा बना सकते हैं और तो ही आप इस मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं, वरना आप इस मार्केट में सस्टेन बिल्कुल नहीं कर सकते। दोस्तों, आप अपने पैसे को क्यों व्यर्थ जाने दे रहे हो? आप कुछ तकनीकी विश्लेषण कीजिए, रिसर्च कीजिए स्टॉक्स पे, फिर उसको अगले दिन बाइंग कीजिए, इंट्राडे मार्केट के अंदर में आप रिसर्च कीजिए, फिर उसको बाइंग कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, हमारी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज चालू है, इस सीरीज का ये वीडियो है, कैंडल स्टिक पे अभी हमारा वीडियो चल रहा है। तो आज की हमारी कैंडल होगी हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन यानी झूलता हुआ आदमी, यानी ये कैंडल आपको कभी भी टॉप पर बनेगी दोस्तों। ये कैंडल टॉप पे बनेगी और आपको ये कैंडल गाइड करेगी, या एक कैंडल आपको मोटिव आपका क्लियर करेगी आपको कि हाँ, अब इस जगह पे आपको रुकना है। अगर आपके पास बाइंग की पोजीशन है तो आप इस पोजीशन को से स्क्वायर अप कर लीजिए। एटलीस्ट ये जो कैंडल बनेगी वो आपको अलर्ट कर रही है। हर कैंडल आपको कुछ ना कुछ बोलती है, सही जगह पे सही कैंडल को आपको पकड़ना है, सही जगह पे सही कैंडल को आपको इम्प्लीमेंट करना है, चीज़ों को आपको समझना है। हर कैंडल कुछ ना कुछ कहती है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस बनना चाहते हैं तो आपको कैंडल स्टिक के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कैंडल आगे क्या होने वाला है ये पहले से मुझे बता देती है। कैंडल स्टिक आगे क्या फॉर्मेशन, स्टॉक में आगे क्या होने वाला है वो आपको पहले से बताना स्टार्ट कर देती है। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आपको कैंडल स्टिक का ज्ञान होना जरूरी है दोस्तों। तो मैंने बहुत सारी टेक्निकल की वीडियो डाली है, आप सारी वीडियो देख सकते हैं जाके पीछे। तो दोस्तों चलिए, अब हम इसको चार्ट पे देखते हैं कि हैंगिंग मैन बनता कैसे है, उसका मोटिव क्या होता है, उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है उस कैंडल की, ट्रेडर उस कैंडल बनने के बाद में प्रोफेशनल होते हैं वो क्या सोचते हैं उस कैंडल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आगे हम चार्ट पे देखते हैं कि क्या है इस पे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं बड़ी मेहनत के साथ में आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो आपको एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगे वीडियो तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, हम चार्ट पे देखते हैं, हैंगिंग मैन को पहचानेंगे, अपनी आंखों को ट्रेंड कीजिए कैंडल के लिए। तो हैंगिंग मैन को कैसे पहचानेंगे, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और हमारे YouTube चैनल घनश्याम टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। और लास्ट में, मेरे वीडियो में क्या पसंद नहीं है या आपको किस चीज के बारे में वीडियो चाहिए उस पर अपना कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने का कोई चार्जेस नहीं होता है, मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। अगर आपने सब्सक्राइब किया वही हमारे लिए एक गोल्ड मेडल के बराबर है दोस्तों। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसको सिर्फ देख देख के मत निकल जाइए, उसको लाइक और शेयर भी करते जाइए दोस्तों।
तो बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, बाकी चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न चल रहा है हमारा प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिसिस, जो ट्रेनिंग का मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका अभी कैंडलस्टिक पैटर्न चल रहा है। मैं बीच में बेंगलोर चला गया था ट्रेनिंग के लिए, तो इसलिए बीच में वीडियो नहीं आई, तो उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो नंबर 16 है, जिसपे अगर आपने पिछली कैंडल, ए मोनू चुप रहा, मारूंगा अभी, आऊंगा तेरे को। तो दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप पिछली वीडियो को देखिए, वीडियो को देखिए, वीडियो को समझिए, उस कैंडल स्टिक पैटर्न को समझिए, अपनी आंखों को ट्रेन कीजिए, आप आंखों को ट्रेन कीजिए, जिससे आप समझ सकें कि हाँ कौन सी कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन क्रिएट हो रही, क्या पैटर्न कैंडल स्टिक का बन रहा है। दोस्तों कैंडल स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपके लिए कैंडल स्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो प्लीज पूरी कैंडल स्टिक सीरीज है, तो आप जितने भी मैंने पीछे वीडियो डाली है उन सारे वीडियो को आप देखिए, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो को समझाया है अपने हिसाब से। अगर आपको उसमें कुछ चीजें पसंद नहीं आई तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आप पूरी कैंडल स्टिक पैटर्न को देखिए, आप बीच में छोड़ छाड़ के लोग वीडियो फॉरवर्ड करके देखते हैं, रिवर्स करके देखते हैं, आपको मालूम है तो भी एक बार देखिए, आप चीजों को देखिए, अपनी आंखों को ट्रेन कीजिए। कैंडल स्टिक के बारे में मैंने बहुत अच्छी चीजें बताई हैं, तो आप उसको फॉलो कीजिए दोस्तों, बेनिफिट आपको जरूर होगा उससे। तो चलिए देखिए, आपने कैंडल स्टिक के पैटर्न, मेरी मोरू बोजू, बुलेट इंगल्फिंग, बेरी इंगल्फिंग, हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी, ये सारी कैंडल आपने नहीं देखी है तो पीछे जाके उस कैंडल को आप देखिए दोस्तों, तो आपको आगे की चीजें और अच्छी तरह से समझ में आएंगे। दोस्तों आज की हमारी कैंडल है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन दोस्तों, जैसे इन शूटिंग स्टार, हैमर, इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन, ये चार कैंडल होती है, ये चारों आपको दिखेंगी लगभग लगभग एक जैसी। होगा क्या, देखिए हैंगिंग मैन और हैमर ये आपको एक जैसी ही दिखेंगी, बट इसमें कंफर्म करने की क्या चीजें हैं कि हैंगिंग मैन हमेशा टॉप पे बनेगा और हैमर हमेशा बॉटम पे बनेगा, यानी जो हैमर कैंडल बनेगी वो एक डाउन ट्रेंड के बाद बनेगी और जो हैंगिंग मैन बनेगी वो एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पे बनेगी कहीं पे। तो बस यही डिफरेंस है हैंगिंग मैन और हैमर का। उसी तरह शूटिंग स्टार आपको टॉप पे बनेगी और इन्वर्टेड हैमर हमेशा बॉटम पे बनेगी। देखिए इसमें, इस कैंडल में हमको कलर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, मैंने आपको कलर दिखाया लेकिन कलर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रेड बने या ग्रीन बने उस कैंडल से हमें कोई कुछ मतलब नहीं है दोस्तों। देखिए हैंगिंग मैन इस तरह की दिखेगी आपको चार्ट पे, कहीं इस तरह की या इस तरह की दिखेगी, दोनों ही फॉर्मेशन में हैंगिंग मैन है, ये ग्रीन हो सकता है, ये रेड हो सकता है, तो कलर की हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कलर इस कंडीशन में कलर मायने नहीं रखता है। अब देखिए हैंगिंग मैन पे करना क्या आपको, देखिए हैंगिंग मैन एक टॉप पे बनेगी, हैंगिंग मैन एक अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा होगा, समझिए देखिए हैंगिंग मैन बनने के लिए स्टॉक अप ट्रेंड में चलता हो, कंटिन्यू स्टॉक अप ट्रेंड में चलता रहे। अब अप ट्रेंड का मतलब कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि जो भी 12 15 20 कैंडल बनी वो सारी ग्रीन ही बनते हैं, इसका अप ट्रेंड का मतलब नहीं। अप ट्रेंड का मतलब होता है स्टॉक कुछ ऊपर गया फिर करेक्ट होगा, फिर ऊपर गया फिर करेक्ट होगा, फिर ऊपर जाएगा, एक साथ स्टॉक ऊपर या नीचे जाएगा ऐसा नहीं है। तो अप ट्रेंड में होगा स्टॉक, एक अप ट्रेंड में होगा और टॉप पे, यानी जो पिछली कैंडल बनेगी इसके पहले वाली जो कैंडल बनेगी ये हमेशा उससे गैप अप में ओपन होगा, हमेशा गैप अप पे ओपन होगा, मतलब पिछली कैंडल की जो क्लोज है उस क्लोज के ऊपर इसकी ओपन प्राइस होगी, ठीक है। ये डे में कहीं पर भी नीचे तक जाएगा और जाके फिर ऊपर जाके ऊपर ही क्लोज करेगा, ये कैंडल रेड बने ग्रीन बने इससे मतलब नहीं। ये दिखने में आपको बुलिश दिखेगा, टॉप पे बनेगा आपको लगेगा कि ये बुलिश कैंडल है, दरअसल ये बुलिश कैंडल नहीं, ये बेरिश कैंडल होती है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा, कि दिखने में आपको बुलिश लगेगा कि टॉप पे बनी हुई है, अच्छी कैंडल बनी हुई है, सब बायर ही बायर एक्टिव है इसमें, तो कैंडल अच्छी है, लेकिन ये कैंडल बेरिश कैंडल होती है हैंगिंग में, तो एक स्टॉक एक अप ट्रेंड में होगा, अप ट्रेंड के बाद पिछली कैंडल के गैप अप ओपन होगा, गैप अप ओपन होने के बाद ये सारे दिन में एक कैंडल बनाएगा जो कि इसमें बायर और सेलर दोनों एक्टिव हो जाएंगे, अभी तक सिर्फ बायर एक्टिव हो रहे थे, अब इसमें सेलर भी, देखिए सेलर ने इसको नीचे तक लाया, सेलर इसको नीचे तक लेके आए और उसके बाद फिर बायर इसको ऊपर जरूर ले जाके क्लोज किए, लेकिन इसमें सेलर हावी हो चुके हैं ऑलरेडी, इसमें सेलर भी आ चुके हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है हैंगिंग मैन बेरिश कैंडल है। अब भी हैंगिंग मैन आगे चार्ट पे कैसे दिखेगी, चलिए हम थोड़ा उसको देख लो, सॉरी हैंगिंग मैन ये देखिए एक चार्ट है, ठीक है,
इस चार्ट में देखिए स्टॉक, ये देखिए कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। स्टॉक देखिए कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चलता जा रहा है स्टॉक। ये देखिए ये कैंडल हैमर है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, कलर इसका रेड है इससे मतलब नहीं, ध्यान रखिए। मैं दोनों कैंडल को एक आपको एक क्लियरिफिकेशन मिल जाएगी दोनों दोनों कैंडल की। ये कैंडल हैमर है क्योंकि ये नीचे बनी हुई है, ये स्टॉक यहाँ से देखिए नीचे आ रहा है तो ये कैंडल नीचे है, तो ये कैंडल है हैमर। यही स्टॉक देखिए ऊपर कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक कैंडल बनी, ये बड़ी थी ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद में देखिए गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन हुआ, क्लोज भी इसने उसके ऊपर ही दिया है। तो ये कैंडल हो गई हमारी हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन यानी झूलता हुआ आदमी, आदमी कहीं फंस गया है, झूलता हुआ, बड़ी परेशानी में है, इंसान परेशानी में है, हैंगिंग मैन यानी झूल रहा है। तो ये कैंडल अब बता रही है कि ये स्टॉक अब अपने परेशानियों में आने वाला है, आपको पहले से अलर्ट कर रही है कैंडल, ठीक है। तो ये हैंगिंग मैन है, एक अप ट्रेंड मिला हमें, अप ट्रेंड के बाद हमें इस कैंडल के गैप अप में ओपन हुआ और इसने क्लोज भी ऊपर ही दिया, तो ये हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन की कंफर्मेशन के लिए हमेशा ध्यान रखिए, या तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, और इंट्राडे देखिए ये इंट्राडे चार्ट 5 मिनट 15 मिनट ईओडी सारी चार्टों को देख सकते हैं। अगर आप ईओडी पे यही चीज अगर आप ईओडी पे देख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि पिछली 3 कैंडल के लो को जाने दें। अगर ये कैंडल ही बड़ी है तो ठीक है, इसका 50% एटलीस्ट कम से कम क्रॉस होना चाहिए नीचे की तरफ। अगर बड़ी कैंडल बन गई, एक 4% 5% की एक कैंडल बन जाती है कभी कभी, तो उस कैंडल को ऑलरेडी 50% के नीचे ट्रेड करने दीजिए, उसके बाद आप लीजिए, सेल कीजिए आप उसके बाद। तो ये कैंडल देखिए यहां पे हैंगिंग मैन बना। अब इसकी कंफर्मेशन के लिए स्टॉक इसके नीचे ट्रेड होना चाहिए, कंफर्मेशन के लिए इसके नीचे ट्रेड होना चाहिए। अगर ये स्टॉक एक रेंज में है, ठीक है, ये छोटे छोटे जैसे कैंडल बड़ी बन गई, नॉर्मल कैंडल नहीं है, देखिए इसमें इतनी सारी कैंडलों में कभी भी इतनी बड़ी कैंडल नहीं है, तो ये सब कैंडल नॉर्मल कैंडल, अगर इस कैंडल के बाद ये बने तो कभी भी पिछली 3 कैंडल के लो के नीचे आपको सेल करना है। अगर नॉर्मल कैंडल बनती है तो पिछली 3 कैंडल के लो के नीचे आपको सेल करना है, ठीक है। और स्टॉप लॉस हमेशा टॉप, ये हैंगिंग मैन अगर यहां पे बनती कहीं इस जगह पे तो और भी बेस्ट होती है, लेकिन ये यहां पे बनी है कोई बात नहीं, फिर भी चलेगा अगले दिन। लेकिन अभी देखिए कंफर्म नहीं किया उसने, अगले दिन जब तक इस लो के नीचे ट्रेड नहीं करेगा तब तक ये हैंगिंग मैन कंफर्म नहीं हुआ कि हैंगिंग मैन बन चुका है। अगर ये इसके ऊपर वापस ट्रेड करने लगे तो ये हैंगिंग मैन हमारे काम का नहीं है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये इसके नीचे ट्रेड करे तो हमारे लिए कंफर्म। जैसे अब इसके नीचे इसने ट्रेड करना स्टार्ट किया तो कंटिन्यू स्टॉक नीचे आ रहा है। देखिए अप ट्रेंड आपको आएगा, जैसे डाउन ट्रेंड एक साथ नहीं आएगा, उसी तरह अप ट्रेंड अप आएगा, फिर डाउन जाएगा, फिर कुछ अप मारेगा, फिर डाउन जाएगा, फिर अप आएगा, फिर डाउन जाएगा। तो स्टॉक ऐसे ही चलेगा, कभी भी स्टॉक एक साथ में ऊपर या एक साथ में नीचे नहीं जाता है दोस्तों। तो आपको मैंने जैसे पहले ये बताया है कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आपने जब सेल किया, जब ये एक हाई मारे उसके बाद एक लो मारे, तो आप उस हाई को स्टॉप लॉस बनाते जाओ। अब इसने यहाँ पे एक हाई मार दिया, इस हाई को आप स्टॉप लॉस बनाओ। अब ये एक लो मारा उसके बाद फिर हाई मारे, तो आप कभी भी देखो आपको स्टॉप लॉस, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि स्टॉप लॉस आप एक साथ में ले, लेकिन प्रॉफिट आप बुक करें एटलीस्ट पहले टारगेट, जो भी आपका एक टारगेट बन रहा हो, कैसे टारगेट निकालते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा, उस पर 50% बुक करें। फिर स्टॉक और नीचे गया जो बची हुई क्वांटिटी है उसका 50% निकाल दे, फिर और नीचे गया तो आप पूरी क्वांटिटी सेल करो, स्टॉप लॉस आप एक साथ में ले लो पूरा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारी आज की कैंडल जो थी, ये हमारी थी हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन को मैंने आपको बता दिया, अगर आपने मेरी पूरी कैंडल नहीं देखी है तो प्लीज आप पूरी कैंडल को दोस्तों जाके देखिए। मैं बहुत अच्छी, मैं निफ्टी की स्ट्रेटजी भी दिखाता हूँ, मैं स्टॉक की स्ट्रेटजी भी, कुछ दिनों में मैं कंटिन्यू आपको स्टॉक की स्ट्रेटजी दिखाऊंगा, स्टॉक में कैसे ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कैंडल हैंगिंग मैन जो कि आपने देखा। दोस्तों इसको आप अच्छी तरह से समझिए, चार्ट पे आप बार बार देखिए, इंट्राडे चार्ट, ईओडी चार्ट, 5 मिनट 15 मिनट बार बार आप इसको देखिए और इसको ढूंढिए, अपनी आंखों को ट्रेंड कीजिए कभी भी कि कैंडल को कैसे पहचानना है। सारी कैंडल को जब आप पहचानने लगेंगे दोस्तों तो आपका व्यू क्लियर हो जाएगा स्टॉक के बारे में, आप कब बाइंग करना है कब सेल करना है वो कैंडल ही आपको बताने लगेगी, तो आपको मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत नहीं रहेगी, बस अपनी आंखों को आप ट्रेंड करते रहिए दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद।